मामा मामा, वो मेरी वाइफ वाली शर्ट कहाँ पे है? अरे सना उठ जाओ यार, मेरे बेटे ने कॉलेज जाना है। हरी अप, हरी अप, हरी अप। अबे छोड़ दो इस मोबाइल को, इसकी जान छोड़ दो। ओहो, क्या हो जाता है आपको? एक तो इस घर में तूफान आ जाता। अच्छा भाई उठ जाओ। जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ। हटो आगे से, कोई काम खुद भी कर लिया करो। ये देखो, ये सामने तुम्हारी वाइट शर्टें पड़ी हुई हैं, नजर नहीं आया तुम्हें? अरे मामा, आप मुझे बता देते कि यहाँ पे रखी हैं। अच्छा अब देख लो। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अरे सना, कभी ये बनाओ सिंगार से निकल भी आया करो, जवान हमारी औलाद है। यार बहुत लेट हो गया, एक मिनट, ब्रश किधर है? कॉलर तो ठीक कर लें। अच्छा सना, आज शाम को मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, आज शाम को खाना बाहर खाएंगे। अच्छा कभी आप अपने लाडले का भी पता कर लिया करें, किस हाल? अच्छा आप भी ना, बस हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हैं। हद है वैसे। आप भी ना बस यार। अब सना दोनों बाप बेटे से बात करना ही फजूल है। वैसे सना एक बात तो बताओ, आपको हम बाप बेटे से जेलसी होती है? क्यों हर वक्त आप हम बाप बेटा के पीछे पड़ी रहती हैं? अरे भाई मुझे क्यों उससे जेलसी होगी, वो मेरा भी बेटा है। अच्छा भाई इसको छोड़ें आप, अब मेरी बात सुने, उसका ध्यान रखा करें, जवान बच्चा है, उसको कोई रोक टोक भी किया करें। आपको नहीं पता हालात कैसे जा रहे हैं? हाँ यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कैसे हालात जा रहे हैं, कैसा दौर जा रहा है, इसी दौर के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए, उसको इतनी आजादी देनी चाहिए कि वो खुल के जी सके। आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे बाबा वो मेरा भी बेटा है, आप क्यों नहीं समझ रहे? लास्ट वीक में भी आपने उसको 50,000 दिए, आज फिर वो 20,000 लेकर गया। अरे कुछ तो ख्याल करें। अरे भाग्यवान कुछ तो देखो, ये आजकल के दौर में 20-50,000 का बनता ही क्या है। उसे याद किया, उसकी काल भी आ गई। अरे अब अपना मुंह बंद रखना, बीच में ना बोलने लग पड़ना। हेलो बाबा। जी मेरे बेटा। हो गए शुरू। अच्छा बाबा, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है नारायण का गान। हाँ हाँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और बाकी सब ठीक हो ना? जी बाबा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं फोन रखता हूँ। चलो ठीक है मेरे बेटा, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। और बेटा। ओके ओके बाबा, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़, सलामत रहो मेरा बेटा। अच्छा बात सुने। हाँ बोलो। अच्छा बात तो सुने। हाँ हाँ बोले। अच्छा इस किताब को तो छोड़े ना, मेरी बात सुने। बात मैंने कानों से सुननी होती है। जी अब बोले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मेरे पास ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से गर्मी भी बहुत हो गई है, तो गर्मियों के कपड़े लेने हैं मैंने। अच्छा मैंने सोचा है कि मैं बाहर से भी हो आती हूँ और शॉपिंग भी कर आती हूँ। अच्छा तो जब आपने सोच ही लिया है तो फिर मेरे से क्या पूछना, बाबा जाओ। अब मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी, आप अपने बेटे के अलावा मेरे से भी प्यार से बात कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, आपको तो मेरी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। अरे भाग्यवान कैसी बातें करती हो, क्यों नहीं फर्क पड़ता? बस आपने अपने ड्रेसेस लेने हैं, अपनी पसंद के लेने हैं, आपने शॉपिंग करनी है, अपने लिए करनी है, आपने सोच लिया है, आपने देख लिया है, आपने पसंद कर लिया है, तो आप जाओ अपने किसी दोस्त को साथ ले जाओ। अरे चाय का कहा था इतनी देर से तुम्हें? चाय का तो मैंने कब का कह दिया था। सुहेल सुहेल चाय ले भी आओ। जी बीबी जी आया। सब्जी चाय, सब्जी गैस इतनी कम आ रही थी। अच्छा सुनो पेनाडोल पड़ी है? जी साहब जी देखता हूँ। अच्छा अंदर देखो और मुझे दो गोलियां ला के दो। क्या हुआ, सर में दर्द है, दबा दूं? हाँ अरे नहीं यार।
सुहेल भाई देखो कौन आया है। ये ले चाय पिए। अरे क्या हो गया, कौन हो तुम? क्या किया मेरे बेटे ने? मेरे बेटे को कैसे पकड़ा हुआ है? क्या किया इसने? सॉरी सर, बगैर इजाजत मुझे अंदर आना पड़ा। इसकी हरकत ही कुछ ऐसी थी, बार बार वार्निंग करने के बावजूद भी ये गर्ल्स हॉस्टल के सामने आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। देखे अपने लाड का नतीजा। अच्छा भाई एक मिनट, तू तू चुप कर, पूछता हूँ मैं। एक मिनट सर, समझाएं आप इसे। हाँ हाँ हाँ, क्यों अली, ये वॉचमैन ठीक कह रहे हैं? पापा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ठीक कह रहे हैं? पापा वो मैं, आप जाएं, मैं इसे बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम सर। अरे आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया। सुहेल पानी लेकर आओ। अरे पानी ले भी आओ। ये मैम जी पानी। आप पानी ले प्लीज, क्या हो गया आपको? प्लीज पानी पिए आप। बाबा बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज थोड़ा सा पानी तो पी लें। बाबा बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, आखिरी बार, दोबारा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आइंदा के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा देखें, प्लीज इसे माफ कर दे एक बार, बस इसी दिन से डरती थी। मैं भी इसकी माँ हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो, अब हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा। हम इसे सीने से नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? आखिर ये हमारा बेटा है। देखो सना, इसे कहो कि इस वक्त ये मेरी नजरों से दूर हो जाए। बाबा मुझे एक बार माफ कर दें, आपसे कहा ना आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे तो था कि ये मेरा खून है, ऐसा तो ये कर ही नहीं सकता जिसे हमें जिल्लत का सामना हो। बाबा मुझे माफ कर दें। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ हर वक्त मेरे से लड़ती थी, लेकिन मैं सीना चौड़ा करके कहता था कि ये मेरा बेटा है, ये मुझे कभी जलील नहीं करेगा। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरा मेरा सर शर्म से झुक जाए। बाबा आइंदा के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन मैं गलत था सना, मैं गलत था। अच्छा प्लीज माफ कर देना इसे। मैं गलत था। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं गलत था सना। अच्छा चुप करें, बच्चे गलतियां करते हैं। मैं गलत था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस करें, अब आप भी इसे माफ कर दें, इसे सीने के साथ लगा लें। बेटा आज आपने मुझे तोड़ के रख दिया है, आई लव यू बाबा। आई लव यू मेरा बेटा।